देश में अभी रबी सीजन की बुआई का समय चल रहा है और किसान बड़े पैमाने पर मक्का की फसल की बुआई भी कर रहे हैं। ऐसे में आज के हमारे इस सलाह मशवरा के एपिसोड में जानिए कि मक्का की खेती को लेकर कौन सी सावधानियां और तकनीकों का ध्यान रखना चाहिए जिससे किसानों की उपज में बढ़ोतरी हो। मक्के की खेती के लिए खेत तैयार करने के दौरान जुताई के लिए मोल्ड वोटर हल का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल 2 से 3 बार करें। इसके अलावा मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए रोटावेटर का इस्तेमाल करना बेहतर है। जब जुताई अच्छे से हो जाए तो खेतों में प्रति गोबर खाद या कंपोस्ट खाद का छिड़काव करें। अगर गोबर खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रति एकड़ 10 टन का छिड़काव करें। बीजोपचार के लिए थाइमेथोक्सम लगभग 20% और साइनेट्रेलियो पोलो लगभग 20% तक का 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इस्तेमाल करें। मक्का की बिजाई के बाद खेतों में नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बुआई के 45 से 65 दिन के बाद मिट्टी में नमी भी चेक करें। मक्का के अच्छे उत्पादन के लिए फसल को समय समय पर खाद देने की जरूरत है, नहीं तो उत्पादन में अंतर आ सकता है। इसके साथ ही खरपतवार का भी ध्यान रखें, नहीं तो सारा पोषण खरपतवार अवशोषित कर लेगी और फसल को भारी नुकसान हो जाएगा। इसके लिए खरपतवार नियंत्रण का इस्तेमाल करें और समय समय पर निराई और गुड़ाई भी करते रहें। किसान इन बातों का ध्यान रखें और अपनी मक्के की फसल में ज्यादा उत्पादन पाएं। हमारी यह सलाह मशवरा की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।